इस साल की शुरुआत से ही हिंदू साइड को एक के बाद एक खुशखबरी का मौका मिला है, जहां जनवरी में अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी इतनी धूमधाम से हुई थी, वहीं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 31 जनवरी ऑर्डर ने लोगों में और उत्साह का माहौल फैला दिया था, जब नाउ रिटायर्ड जस्टिस AK विश्वेश ने ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का ऑर्डर पास किया। हालांकि वहीं दूसरी ओर मुस्लिम साइड कोर्ट के इस फैसले से बेहद गुस्सा दिखे, जिसको चैलेंज करते हुए वे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। आपको बता दें कि मुस्लिम साइड का आए दिन जुडिशरी से विश्वास उठता जा रहा है, और जब सुप्रीम कोर्ट में CJI चंद्रचूड़ ने इस मामले को अर्जेंटली लिस्ट करने से साफ मना कर दिया, तो मुस्लिम पक्ष का विश्वास थोड़ा और कम हो गया। इन सब से हार नहीं मानते हुए अंजुमान इंतजामिया कमेटी ने अलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, और इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल जज बेंच ने अपना फैसला 15 फरवरी को रिजर्व कर लिया था, और जो आज जाकर डिस्क्लोज हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको बता दें कि इस केस में अब तक दो बार जस्टिस अग्रवाल ने मुस्लिम पक्ष को झटका दिया है। पहला झटका जस्टिस अग्रवाल ने मुस्लिम साइड को 2 फरवरी को दिया, जब उन्होंने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 31 जनवरी के ऑर्डर पर स्टे लगाने से सख्त मना कर दिया। आपको बता दें कि इस केस की हियरिंग में काफी तीखे आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले हैं, जब हिंदू साइड की ओर से मौजूद हुए सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन और मुस्लिम साइड की ओर से सीनियर एडवोकेट SFA नकवी ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, जहां सीनियर एडवोकेट नकवी ने कहा कि पिटिशनर्स की ये मांग बेहद गलत है कि ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा होनी चाहिए। वहीं सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने उल्टा मुस्लिम साइड पर हमला करते हुए कहा कि उनके द्वारा फाइल्ड केस तो मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलत ऑर्डर को चैलेंज किया है। आपको बता दें कि यहां सीनियर एडवोकेट शंकर जैन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज करने की बात कर रहे थे, जिसमें वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपॉइंटेड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज द रिसीवर, डायरेक्टिंग हिम टू कीप द सेलर सेफ एंड नॉट अलाउ एनी चेंज इन इट। और इस बात से जस्टिस अग्रवाल भी सहमत दिखे थे, जब उन्होंने सीनियर एडवोकेट नकवी से सवाल करते हुए पूछा था, मिस्टर नकवी, टेल मी वन थिंग, यू हैव नॉट चैलेंज द ऑर्डर ऑफ 17 जनवरी अपॉइंटिंग DM एज द रिसीवर, दिस इज अ कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर, हाउ विल दिस अपील बी मेंटेनेबल अनलेस दैट ऑर्डर इज चैलेंज्ड। और फिर वही 26 फरवरी को अपना फैसला डिस्क्लोज करते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मुस्लिम साइड को दूसरा बड़ा झटका दिया है, जब उन्होंने उनके द्वारा फाइल्ड प्लीज को ही रिजेक्ट कर दिया और ये अपहेल्ड किया कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 31 जनवरी का ऑर्डर सही है। इस फैसले से मुस्लिम साइड को एक बड़ा झटका मिला है, लेकिन मुस्लिम साइड को ऐसी न्यूज देने के अलावा अपने फैसले के साथ जस्टिस अग्रवाल ने 1993 में तहखाने में पूजा रोकने वाले मुलायम सिंह यादव सरकार के फैसले को भी बिल्कुल इलीगल ठुकराया है। अपने ऑर्डर में जस्टिस अग्रवाल ने UP गवर्नमेंट के ऑर्डर को इलीगल बताते हुए कहा है, अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर ट्रायल हैज बीन मेड आउट बट ऑल्सो द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस टिल्स इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ हिंदू साइड, द वॉरशिप एंड रिचुअल्स विच कंटिन्यू टू बी परफॉर्म इन द सेलर बाई व्यास फैमिली टिल 1993 वॉज स्टॉप्ड बाई इलीगल एक्शन ऑफ स्टेट विदाउट देयर बींग एनी ऑर्डर इन राइटिंग। उन्होंने कहा कि स्टेट के इस इलीगल ऑर्डर से हिंदुओं का राइट टू रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, अफेक्ट हुआ है, और इसी के चलते इस ऑर्डर को इलीगल कहा गया है। जस्टिस अग्रवाल स्टेटेड, द एक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सिंस द ईयर 1993 रिस्ट्रेनिंग द व्यास फैमिली फ्रॉम परफॉर्मिंग रिलीजियस वॉरशिप एंड रिचुअल्स एंड ऑल्सो बाय द डिवोटीज वॉज अ कंटिन्यूस रॉन्ग बींग परपेचुएटेड। सिर्फ यही नहीं, जस्टिस अग्रवाल ने पाया है कि प्राइमा फसाई ये साफ है कि ज्ञानवापी का व्यास जी का तहखाना पिटिशनर के फैमिली में कई सालों से मौजूद है, और ये पूजा बिना रुकावट के 1551 से 1993 तक होती आई है, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट ने इसे रोक ना दिया। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला लेकर शैलेंद्र कुमार पाठक पहुँचे थे, प्रीस्ट ऑफ द आचार्य वेद व्यास पीठ टेम्पल, जिनका कहना था कि ये तहखाना उनके परिवार का है और वे यहाँ 1993 तक पूजा करते आ रहे थे। व्यास हैड पिटिशन दैट एज अ हेरिडिटरी पुजारी ही बी अलाउड टू एंटर द तहखाना एंड रिज्यूम पूजा। अलाहाबाद हाईकोर्ट इस फैसले पर एक 1937 सिविल कोर्ट जजमेंट इन द दीन मोहम्मद केस के बाद आई है, जिसमें द कोर्ट एट द टाइम हैड एक्सेप्टेड अ मैप सबमिटेड बाय द स्टेट विच इंडिकेटेड द प्रेयर्स वर बीइंग ऑफर्ड इन द सेलर बाय द व्यास फैमिली। इसी में ऐड करते हुए जस्टिस अग्रवाल ने कहा, द हाई कोर्ट एडेड दैट द कमिश्नर्स रिपोर्ट फ्रॉम 1996 आल्सो रेफर्ड टू अ लॉक पुट ऑन अ गेट इन द ज्ञानवापी कंपाउंड बाय हिंदूज, दिस आल्सो इंडिकेटेड दैट हिंदूज हैड पोजेशन ओवर द सेलर इन क्वेश्चन व्यास तहखाना। इसी के साथ ये साफ साफ प्रूफ हो गया कि व्यास जी का तहखाना कई सालों से व्यास जी के ओनरशिप में रहा है, एंड द कोर्ट स्टेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ व्यास तहखाना सेलर ओन्ड बाय व्यास फैमिली इन द ईयर 1937
is a prima facie proof of the continuous possession claimed by the plaintiff till the year 1993. और वहीं दूसरी ओर मुस्लिम साइड ये दिखाने में फेल हो गई कि ज्ञानवापी मस्जिद का तहखाना कैसे मुस्लिम साइड के अंडर आता है और हिंदुओं की ओर नहीं. और इसी पॉइंट को हाईलाइट करते हुए जस्टिस अग्रवाल ने कहा, अपेलेंट मुस्लिम पार्टी हैविंग नॉट क्लेम्ड द सेलर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम व्यास फैमिली आफ्टर 1937 टिल दिसंबर 1993 लीड्स टू एडवर्स इन्फेरेंस अगेंस्ट देम एज टू पोजेशन ओवर द सेलर. प्लेंटिफ हैज बीन सक्सेसफुल इन प्राइमा फसाई एस्टैब्लिशिंग देयर पोजेशन थ्रू व्यास फैमिली सिंस 1551. एक और पॉइंट जो मुस्लिम्स ने उठाया था वो ये था कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 17 जनवरी फैसले से एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और रिसीवर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट के बीच पैदा हुआ है. हालांकि इस पॉइंट को जस्टिस अग्रवाल ने खारिज कर दिया इस बेसिस पे कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ टेंपल एक्ट 1983 प्रोवाइड्स दैट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हु बीइंग द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड आल्सो मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी इज बाउंड टू एक्ट एज पर द ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड एंड आल्सो टू कम्प्लाई द डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट बीइंग द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द टेंपल. और इसी पॉइंट को जस्टिस अग्रवाल ने अपने ऑर्डर में पेश करते हुए कहा दैट वंस द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एनुमरेटेड अंडर द टेंपल एक्ट 1983 हिज अपॉइंटमेंट एज रिसीवर बाय द कोर्ट हु हैज टू एक्ट ऑन द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द कोर्ट वुड नॉट लीड टू एनी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट. आपको बता दे कि मुस्लिम साइड का एक आर्ग्यूमेंट ये भी था दैट जनवरी 31 ऑर्डर वाज पास्ड बाय रॉन्गली अप्लाइंग सेक्शन 152 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. इस पॉइंट पर जस्टिस अग्रवाल ने हिंदू साइड के उस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया जिससे उन्होंने बताया दैट द जनवरी 17 ऑर्डर विच प्रीसीडेड द जनवरी 31 ऑर्डर हैड एक्सीडेंटली ओमिटेड टू मेंशन द डिसीजन ऑन अ प्रेयर ऑलरेडी मेड बाय द हिंदू साइड इन अ कंपोजिट एप्लीकेशन टू अपॉइंट अ रिसीवर एंड परमिट हिंदू प्रेयर्स इन द मॉस्क सेलर. इसी पॉइंट पर तर्क देते हुए जस्टिस अग्रवाल ने कहा दैट सच एन एक्सीडेंटल ओमिशन कैन बी करेक्टेड बाय इनवोकिंग सेक्शन 152 सीपीसी एज वाज डन बाय द ट्रायल कोर्ट. और तो और जस्टिस अग्रवाल ने ऐड करते हुए कहा दैट द ऑर्डर डेटेड 31 जनवरी 2024 स्टैंड्स कवर्ड अंडर द पावर्स ऑफ कोर्ट गिवन इन सेक्शन 151 एंड 152 सीपीसी एज इट इज नीदर रिव्यूइंग द ऑर्डर नॉर द कोर्ट अंडर द गाइज ऑफ इनवोकिंग सेक्शन 152 इज ग्रांटिंग एनी फर्दर रिलीफ आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द जजमेंट वॉज रेंडर्ड अर्लियर. इन्हीं सारे आर्ग्यूमेंट्स और एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए जस्टिस अग्रवाल ने मुस्लिम साइड की प्ली को डिसमिस कर दिया और ये अपहेल्ड किया दैट फेलियर ऑफ अपेलेंट मुस्लिम साइड टू एस्टैब्लिश prima facie possession over the disputed property and plaintiff Hindu side succeeding in building up a strong prima facie case negating the stand of appellant leads to undeniable situation that stopping worship and performance of rituals by the devotees in the cellar would be against their interest. Allahabad High Court ke is faisle se Hinduon mein ek alag josh dekhne ko mila hai par wahi bina waqt gawaye is faisle ke khilaf Muslim side ab seedhe Supreme Court ka rukh kar chuki hai aur kaha hai ki Allahabad High Court ka ye order Places of Worship Act ko violate karta hai. Ab aage dekhte hain ki is case mein aur kya development dekhne ko mil sakti hai. Till then keep following Law Chakra.